आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में यूज हुए आगे के टर्म्स पे हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हैव बीन क्लासिफाइड इन फोर क्लासेस, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। आइए इनके बारे में वन बाय वन हम जानते हैं। व्हाट आर हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स आर लिविंग बींग्स ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हर्बीवोर्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो अपना भोजन प्लांट्स से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोट, काउ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ एक्सेट्रा, ये सब के सब हर्बीवोर्स हैं क्योंकि ये सभी अपना फूड ओनली प्लांट्स से लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर कार्निवोर्स? कार्निवोर्स आर लिविंग बींग्स ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो अपना भोजन हर्बीवोर्स से लेते हैं, यानी कि जो प्लांट ईटिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोल रहे थे, और ये जो कार्निवोर्स हैं ये एनिमल ईटिंग एनिमल्स हो गए, यानी कि वो एनिमल्स हो गए, वो लिविंग बींग्स हो गए जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, टाइगर, लेपर्ड, ये सब के सब क्या हो गए? कार्निवोर्स। एंड व्हाट आर ओमनिवोर्स? ओमनिवोर्स आर लिविंग बींग्स ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ओमनिवोर्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो अपना भोजन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं, यानी कि वो हैं जो प्लांट ईटिंग भी है और एनिमल ईटिंग भी है। बात समझ में आ रही है? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो ओनली प्लांट ईटिंग हैं, कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो ओनली एनिमल ईटिंग हैं, जो जानवरों को ही खाते हैं, जबकि ओमनिवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट ईटिंग भी है और एनिमल ईटिंग भी है, यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स के फ्लेश भी खाते हैं, वो है ओमनिवोर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, इंसान, मानव, ये ओमनिवोर्स हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, डॉग्स, कैट्स, क्रोज एटसेट्रा, ये सब के सब क्या है? ओमनिवोर्स। एंड नेक्स्ट, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर लिविंग बींग्स लिविंग इन और ऑन अनदर प्लांट्स और एनिमल्स एंड गेट देयर फूड फ्रॉम देम। मतलब पैरासाइट्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जो किसी पेड़ या जानवर के अंदर रहते हैं या उसके बॉडी पे रहते हैं, यानी कि पैरासाइट्स वो लिविंग बींग्स हैं जो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल के बॉडी के इनसाइड रहते हैं या फिर उनके बॉडी सरफेस पर रहते हैं और अपना फूड उन्हीं प्लांट से एनिमल्स से लेते हैं जिन प्लांट से एनिमल्स के बॉडी के इनसाइड रहते हैं या फिर बॉडी के सरफेस पर रहते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के एग्जांपल्स होंगे हुकवर्म, टेपवर्म, प्रोटोजोआ, लाइस, लाउज एटसेट्रा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, ओमनिवोर्स एनिमल्स होते हैं, बट जो पैरासाइट्स हैं ये प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ प्लांट लाइफ में भी ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो कि पैरासाइट्स हैं और एनिमल लाइफ में भी कुछ लिविंग बींग्स हैं जो कि पैरासाइट्स हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फूड चेन की। इट इज द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, जिस सीक्वेंस में या फिर जिस ऑर्डर में एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग में एनर्जी ट्रांसफर होता है या फिर एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग में
मैटर ट्रांसफर होता है, चाहे मैटर ट्रांसफर हो चाहे वो एनर्जी ट्रांसफर हो एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग में, बट वो इन द फॉर्म ऑफ फूड ट्रांसफर होता है, भोजन के रूप में ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर जिस सीक्वेंस में चलता है, हम उस सीक्वेंस को, उस ऑर्डर को, यानी कि ऐसे लिविंग बींग्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिम्स जिनका एक प्रॉपर एक ऐसा सीक्वेंस बनता हो, एक ऐसा ऑर्डर बनता हो, जिस सीक्वेंस या ऑर्डर में उन लिविंग बींग्स में एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग तक एनर्जी या फिर मैटर ट्रांसफर होता है फूड के फॉर्म में, ऑर्गेनिज्म के ऐसे सीक्वेंस को या फिर ऑर्डर को हम कहते हैं फूड चेन। आप एग्जांपल से बात को समझे, ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा जाता है, और फ्रॉग को स्नेक खाता है, और स्नेक को ईगल खा जाता है। यानी कि अब यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ग्रास से एनर्जी जाएगी जिंदा रहने के लिए ग्रास हॉपर के पास, यानी कि ग्रास हॉपर ग्रास से एनर्जी लेके सर्वाइव करेगा, वो एनर्जी या मैटर किस फॉर्म में लेगा, फूड के फॉर्म में। और फिर फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर से एनर्जी लेके जिंदा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड, और स्नेक जो फ्रॉग से एनर्जी लेके जिंदा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड, और ईगल जो है वो स्नेक से एनर्जी लेकर के जिंदा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या मैटर है जस्ट यूनिडायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है, यानी कि ग्रास से एनर्जी ग्रास हॉपर में तो जाएगी लेकिन ग्रास हॉपर से ग्रास में नहीं आएगी, ग्रास हॉपर से एनर्जी ट्रांसफर होकर के फ्रॉग में जाएगी बट फ्रॉग से ट्रांसफर होकर के ग्रास हॉपर में नहीं आएगी। सिमिलरली फ्रॉग से एनर्जी ट्रांसफर होकर स्नेक के पास जाएगी लेकिन स्नेक से फ्रॉग में नहीं आएगी, और स्नेक से एनर्जी ट्रांसफर होकर के ईगल में जाएगी लेकिन ईगल से एनर्जी ट्रांसफर होकर के स्नेक के पास नहीं आएगी। और ये इसी सीक्वेंस में होगा, आप चाहे कि सीक्वेंस को चेंज कर दें, ग्रास हॉपर यहां आ जाए, ग्रास यहां आ जाए, स्नेक यहां आ जाए, फ्रॉग यहां आ जाए, ऐसा नहीं है। ये जब भी होगा जब इसी सीक्वेंस में होगा एनर्जी का ट्रांसफर, इसी ऑर्डर में होगा मैटर का ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ऑर्गेनिम्स के, लिविंग बींग्स के ऐसे सीक्वेंस या ऐसे ऑर्डर को, जिस सीक्वेंस या ऑर्डर में एक लिविंग बींग से दूसरे लिविंग बींग में एनर्जी या मैटर ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म, उस सीक्वेंस या ऑर्डर को, यानी कि लिविंग बींग्स ऑर्गेनिम्स के उस ऑर्डर या सीक्वेंस को हम कहते हैं फूड चेन। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, बहुत सारे फूड चेन्स का अगर हम एक नेटवर्क बना दें तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब। अब आप यहां पर एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक फूड चेन हमारे पास है, प्लांट को ग्रास हॉपर खाता, ग्रास हॉपर को रैट खाता, रैट को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता, तो ये एक फूड चेन हो गया। अब यहां पर एक फूड चेन ये भी बन रहा है कि प्लांट को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को रैट खाता है, रैट को वुल्फ खा जाता है, और वुल्फ को फिर ईगल खा जाता है। एक फूड चेन ये भी बना। एक फूड चेन यह भी यहां बन रहा है कि प्लांट को एक बटरफ्लाई खाता है, बटरफ्लाई को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खा जाता है। एक फूड चेन ये भी बन रहा है कि प्लांट को बटरफ्लाई खाता है, बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई खाता है, ड्रैगन फ्लाई को बर्ड खाता है, बर्ड को वुल्फ खाता है, वुल्फ को ईगल खा जाता है। एक फूड चेन ये भी बन रहा है कि प्लांट को फ्रूट फ्लाई खाया, फ्रूट फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई खाया, ड्रैगन फ्लाई को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया। एक फूड चेन ये भी बन रहा है कि प्लांट को फ्रूट फ्लाई खाया, फ्रूट फ्लाई को बर्ड खाया और बर्ड को ईगल खा गया, या फिर प्लांट को फ्रूट फ्लाई खाया, फ्रूट फ्लाई को बर्ड खाया, बर्ड को वुल्फ खाया, वुल्फ को ईगल खा गया। इससे सुनेगा बहुत सारे फूड चेन्स है इनमें, और उन फूड चेन्स का यहां पर एक नेटवर्क बन रहा है। वो नेटवर्क क्यों बन जा रहा है कि इसी यहां पर इस नेटवर्क में एक लिविंग बींग, बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो लिविंग बींग्स कई सारे अनदर लिविंग बींग्स के लिए फूड बन जा रहे।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिविंग प्लांट है, तो ये ग्रास हॉपर का भी फूड बन रहा है, बटरफ्लाई का भी फूड बन रहा है, ये फ्रूट फ्लाई का भी फूड बन रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं बटरफ्लाई है, ये फ्रॉग के लिए भी फूड बन रहा है, ये ड्रैगन फ्लाई के लिए भी फूड बन रहा है। आप ग्रास हॉपर को देखिए, ये फ्रॉग के लिए भी फूड बन रहा है, ये रैट के लिए भी फूड बन रहा है। रैट को देखिए तो वुल्फ के लिए भी फूड बन रहा है, स्नेक के लिए भी फूड बन रहा है। उसी तरह से आप फ्रॉग को देखिए तो स्नेक के लिए भी फूड बना और ईगल के लिए भी फूड बन गया। सिमिलरली बटरफ्लाई को देखिए तो फ्रॉग का भी फूड बना, ड्रैगन फ्लाई का भी फूड बना, ड्रैगन फ्लाई जो है बर्ड का भी फूड बना, फ्रॉग का भी फूड बन गया, बर्ड जो है ईगल का भी फूड बना और वुल्फ का भी फूड बना। यानी कि सेम जो लिविंग बींग है वो कई सारे लिविंग बींग के लिए फूड बनता है, या फिर आप यू कह सकते हैं कि एक लिविंग बींग जो है वो कई सारे लिविंग बींग्स को अपना फूड बनाता है। और यही कारण है कि यहां पर फूड चेन्स का एक डेंस नेटवर्क तैयार होता है, और ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स का डेंस नेटवर्क को हम कहते हैं फूड वेब। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है? इंक्रीजिंग बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस विद इन ऑर्गेनिज्म एट ईच स्टेज ऑफ फूड चेन। मतलब अब आप हम यहां पर एक बार फिर से एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां फूड चेन हमारे पास है ग्रास, ग्रास को ग्रास हॉपर का, ग्रास हॉपर को फ्रॉग का, फ्रॉग को स्नेक का, और स्नेक को ईगल का है। अब किसी वजह से ग्रास में टॉक्सिक एजेंट आ गया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गया। से फॉर एग्जांपल ग्रास में किसी ने उसको ज्यादा ग्रोथ दिलवाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल दिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड्स डाल दिए, है ना, या फिर एसिड रेन हो गया, या कहीं और से केमिकलाइज्ड वाटर उनको मिल गया। ड्यू टू एनी मींस इन ग्रासेस के पास कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस पहुंच गए, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पहुंच गए। अब इन ग्रास को जब एक ग्रास हॉपर खाते तो ग्रास हॉपर के पास वो टॉक्सिक एजेंट पहुंचता है ना, और इस लेवल पे पहुंच गया, यानी कि इस स्टेज पर पहुंच गया, ग्रास हॉपर के पास पहुंच करके वो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस पहुंच रहा है ग्रास के माध्यम से, उनका जो स्ट्रेंथ का है या यूं कहें कि उनकी जो क्वांटिटी है जो ग्रास हॉपर जो बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, उसका इंक्रीजमेंट बढ़ रहा है। इसी तरह से जब फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा रहे है ना, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा रहे तो फ्रॉग के बॉडी में फिर वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस पहुंच रहे, और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का अब कंटेंट फ्रॉग के बॉडी के अंदर पहले से और बढ़ के आएगा। सिमिलरली जब फ्रॉग को स्नेक्स खा रहे हैं तो स्नेक्स के पास फ्रॉग्स के बॉडी में से वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस पहुंच रहे हैं, और वहां पर फिर स्नेक के बॉडी के अंदर उसका कंसंट्रेशन, उसका कंटेंट और बढ़ेगा। और स्नेक को जब ईगल खा रहे तो ईगल के बॉडी के अंदर उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंटेंट, उनका कंसंट्रेशन और बढ़ेगा। यानी कि एक बार फूड चेन में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इन कर रहा है तो वो हर एक नेक्स्ट स्टेज पर जाकर को उसका कंसंट्रेशन, उसका कंटेंट पहले वाले स्टेज की तुलना में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।